आप बनाने जा रही हूँ। ये नीटी नेटेड का आजकल बुरा आता है, देखिए टूटा हुआ आता है, इसका कबाब बहुत अच्छा बनता है। इसमें ये आपका एक प्याज है बड़ा सा, ये आपका लहसुन है, ये आपका लाल मिर्च है, ये आपका जीरा है, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, जायफल है, इन सबको मैं इसमें डाल रही हूँ। ये आपका चना का दाल है, ये मैंने एक सर्विंग स्पून से दो सर्विंग स्पून ये मैंने चने की दाल लिया था और इसको मैंने दो घंटा पहले भिगो दिया था और इसे मैंने चार घंटे पहले हल्के से गुनगुने पानी में भिगो दिया था। भिगो करके इसको निचोड़ करके ये मैं रखी हूँ। अब मैं सबसे पहले इसमें देखिए जो खड़ा लाल मिर्च है उसे मैं डाल रही हूँ, ये रहा, इसके बाद जो मैंने ये मसाला दिखाया था आपको खड़ा मसाला, इसको खड़ा मसाला कहते हैं, उसको मैं डाल रही हूँ। ये देखिए मेरा हो गया। अब इसमें जो लहसुन था उसे मैं डाल रही हूँ, डाल करके ये चना का दाल है इसको भी मैं डाल रही हूँ। इसे मैं थोड़ी देर भूनूंगी। देखिए अब मैं इसे भी भून रही हूँ, जो नीटी नेकट का मेरे पास बुरा था मैं इसे भी भून रही हूँ। अब मैं इसमें ये प्याज डाल रही हूँ, नमक स्वादानुसार, देखिए इसमें अब मैं हल्दी डाल रही हूँ, बहुत नहीं डालूंगी, थोड़ी सी डाल रही हूँ। ये मैंने साबुत लाल मिर्च डाला था इसलिए मैं पिसा हुआ मिर्च थोड़ा ही डालूंगी। देखिए अब मैं इसमें पानी डालने जा रही हूँ, पानी डाल के मैं कुकर को बंद कर दूंगी। ये हो गया, अब मैं इसमें पानी डालने जा रही हूँ। पानी बहुत मत डालिएगा क्योंकि पहले से ये भिगोया हुआ है, इसलिए एक गिलास के करीब मैं पानी डाल दे रही हूँ इसमें। अब मैं बंद कर रही हूँ, जब दो सीटी आए इसको बंद खोल करके फिर देख लीजिएगा। देखिए देखिए मेरा ये भुन गया, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, अगर थोड़ा बहुत पानी हो जिसे जब आप कुकर खोलती है तो कुकर खोल के ही सुखा दीजिएगा। देखिए ये देखिए ये चना का दाल भी आपका हो गया और ये नीटी निकट का है, ये भी दोनों एकदम ऐसे देख लीजिए, देख रही है ना, ये देखिए देख रही हैं। अब इसको मैं मिक्सी में डाल करके अब मैं इसे पीसने जा रही हूँ। ये नीटी नेकेट मैंने पीस लिया है, इसके अंदर ये थोड़ा गीला हो गया है, इसके अंदर मैं ब्रेड क्रम डाल रही हूँ, ब्रेड क्रम डालने से ये थोड़ा सा सख्त हो जाएगा, थोड़ा सा ये बुलाया मैंने पिसा हुआ गरम मसाला इसमें मैं मिला रही हूँ और मैंने तवा चढ़ा दिया है, इसको मैं सैलो फ्राई करूँगी। देखिए अब तवे के ऊपर मैं रिफाइंड डाल रही हूँ, देखिए इसके अंदर कबाब के अंदर भरने के लिए ये आपका किशमिश है, ये आपका बादाम है, ये आपका काजू है, ये धनिया का पत्ती है और ये छोटी इलायची है, ये हरी मिर्च है, ये प्याज है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, इसको ऐसे करके इसके अंदर
थोड़े थोड़े सब डाल के इसको ऐसे करके बंद कर देते हैं, एकदम देखिए चिकना बंद करेंगे, ये खुल जाएगा ना। जब एक तरफ दम लाल हो जाए तब दूसरी तरफ से आप उलटिएगा इसको, ऐसे मत पहले मत उलट दीजिएगा। देख रहे हैं, देखिए इसको शैलो ही फ्राई किया जाता है। कितने लोग तो जानते भी नहीं है कि ये नॉन वेज है कि वेज है, इसको खाकर देखिएगा तो आपको पता चलेगा, कोई समझ ही नहीं पाएगा कि ये न्यूटी नेगेट का कबाब है।